हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है ध्रुव साहब और आप देख रहे हो ध्रुव साहब ब्लॉगिंग चैनल में। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव साहब आज आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेके आया हूँ, नरवर का मणिघरा डैम का ब्लॉग। आपने थंबनेल पढ़ के समझ ही गए होंगे, नरवर का मणिघरा डैम का ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने सुना था कि पानी नीचे आके बहुत ऊंचाई तक जाता है। हमने कहा चलो ये भी प्रकृति का नज़ारा देख लेते हैं और आप सबको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पूरी फैमिली के साथ आए हैं और आज हमारे साथ भाभी भी हैं। तो भाभी जी अभी भुट्टा खा रही हैं, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, हमने पूरी फैमिली के साथ आए हैं और हमारी दीदी भी दिखा दिखा के भुट्टा खा रही हैं, ये देखिए गाइस। तो गाइस, हमने इधर भुट्टा लिया और भुट्टे वाली फूट निकाली पूरी फैमिली की। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने भुट्टा खाया है और हम अब आगे की तरफ चलते हैं। की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए, बहुत सारे लोग फोटो निकाल रहे हैं। गाइस, आप भी देखोगे ना पानी कितना मस्त आता है, ऊपर से बिल्कुल नीचे चला जाता है। गाइस, आप भी कहोगे वाह क्या सीन है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना सारा पानी, चारों तरफ पानी 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 पानी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ओ माई गॉड वाह कितना सारा पानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, एकदम पुल बना के आ रहा है। गाइस, अभी हम आपको पास से भी दिखाएंगे, जहाँ से ये झरना बह रहा है उसके ऊपर से भी दिखाएंगे। गाइस, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए ये झरना आ रहा है ना, तो उसके ऊपर से भी दिखाएंगे हम आपको, गेट के ऊपर भी ले चलेंगे। आप भी कहोगे वाह क्या सीन है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम आपको आए काश पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, पूरा मणिघरा डैम मॉल पर ही घुमा देंगे। आप भी कहोगे वाह ब्लॉग हो तो इसके जैसा। तो फ्रेंड्स, अभी हम हमारी मम्मा जी जा रही हैं और हम एक शॉर्टकट बाईपास लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ता है और घूम के आना पड़ता है तो घूम के आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ, पुल के ऊपर, गेट के ऊपर। दोस्तों, हमारी दीदी जी आ चुके हैं, पापा जी आ चुके हैं, भाभी जी आ रही हैं। देखिएगा इस कितना खतरनाक रास्ता, कितना डेंजर रास्ता है, आप देख सकते हो। हमारी मम्मा आ चुकी हैं और ये कितना पतला सा रास्ता है। तो हमारी पूरी फैमिली अभी आ रही है, मैं आगे आ गया था गाइस। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी भाभी जी अभी छोटे से पानी में फुट निकलवा रही हैं। और ये देखिए ये वाला पानी है जो कि पुल में से निकल के सड़ जा रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि पानी कैसे अंदर जाता है और कैसे बाहर निकलता है, सब कुछ दिखाऊंगा। गेट कहाँ से खुलते हैं, कहाँ से बंद होते हैं, सब कुछ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। दीदी तैरना सीखने कौन जाओ समय तो आते। तो दोस्तों, अभी हमारी भाभी जी आ रही हैं आगे की तरफ चल चल के और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमने सोचा इधर पे दीदी का एक मस्त वीडियो बना देते हैं। तुम खोल देखो हर गेट वाला से, तुम खोल देखो वाला ही मोटर। हां जी है ना, तो बहुत बार सुनाई बता दो जी लगे मस्त। और ये देखिए इधर पे मैं आपको गेट दिखाता हूँ, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना अच्छा है, कितना लोहे का है, कितना बुलेट प्रूफ लोहा का गेट है। ये देखिए गाइस है ना मस्त, कमाल की चीज। हम हर बार की तरह कुछ नया दिखाते हैं। टिकट नहीं खोलेंगे और कब खोलेंगे आज? तो दोस्तों, चले रेडी हो जाएगी झरना देखने के लिए। ये देखिए पहले तो पानी नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ये देखिए लग रहा है ना एकदम कमाल का सीन। ये देखिए नीचे से आ रहा है ना एकदम मस्त कतई जहर वाला सीन। अरे मणिघरा डैम की बात ही अलग है गाइस। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पानी कैसे अंदर जाता है, मैंने कहा था ना ये भी दिखाएंगे। ये देखिए कैसे गोल गोल घूम के पानी अंदर जा रहा है ना कमाल की चीज़। अगर इसमें कुछ गिर गया, कुछ फंस गया, कुछ चला गया तो समझो चला ही गया है ना, कमाल की चीज़। तो दोस्तों, हमने मणिघरा डैम घूमा, घूम घूम के हम शाम हो गई, हम थक गए तो हम होटल पे आए, ढाबे पे आए खाना खाने के लिए। तो गाइस, ढाबे पे हमने खाना खा लिया और फिर रात हो गई थी, काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो फिर हम घर की तरफ निकल गए, अपना घर आ गए। गाइस, बारिश भी हो रही थी, रात भी हो गई थी, तो हमने ज़्यादा घूम लिया, बहुत ज़्यादा ही घूम लिया, करीब 10 बज रहे थे। तो दोस्तों, आपका हमारा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख जरूर लेते हो, लेकिन लाइक भी कर दिया करो। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टाटा।